कांडी प्रखंड के किसानों द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग डाल्टनगंज को शिकायत पत्र सौंपा गया, जिसमें यह मांग किया गया कि बडीहा धान क्रय केंद्र पर किसान अपना धान लाकर 8-10 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गोदाम मैनेजर क्रय केंद्र पर धान खरीद में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में गरीब किसान कोरोना काल में पैसे के किल्लत से परेशान है और हम किसानों की धान की खरीद पर किसी सरकारी पदाधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। किसी किसान के घर में शादी है और ऐसे समय में सिर्फ कृषि ही हमारे लिए पैसे का स्रोत है। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्र पर धान की खरीद में अविलंब अंकुश लगाने की कृपा की जाए। वहां उपस्थित किसानों में उपेंद्र कुमार मेहता, अजय कुमार, अखिलेश प्रसाद एवं संतोष मेहता उपस्थित थे। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार मेहता है। अच्छा। हम कांडी प्रखंड के डूमर सोता निवासी हैं। यहाँ सर हम लोग 8-10 दिन से अपना ट्रैक्टर ट्राली ला करके धान यहाँ पर उतारे हैं। कहाँ? यहाँ कस्तूरबा विद्यालय क्रय केंद्र धान खुला हुआ है, बढ़िया में है। तो यहाँ पर जैसा कि मणिकांत यहाँ के पैक्स के गोदाम मैनेजर हैं, तो बोले कि आप लोग कांडी प्रखंड के जो धान वाले हैं यहाँ पर लाए और हम यहाँ पर धान क्रय करेंगे। और सर यहाँ पर हम लोग 7-8 दिन से ट्रैक्टर लेकर के देखिए इस तरह से धान देख रहे हैं ना, बिखरा हुआ पड़ा है पूरा धान। यहाँ पर ला कर इकट्ठा किए हैं और इस लहर लुक में आदमी के किसी गरीब किसान के घर शादी है, किसी के घर कुछ है, पैसा की इस स्थिति में कोई पदाधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं किस तरह होना चाहिए बर व्यवस्था। और मणिकांत सर आते हैं, उनका भाषा हम लोग के समझ में नहीं आता है कि किस तरह से क्रय कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बहाना करके चले जाते हैं, कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटा, पता नहीं, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। गरीब किसान यहाँ पर मर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप ऊपर के पदाधिकारीगण को सूचित कीजिए कि इस तरह का यहाँ व्यवस्था है, इस बदहाली जो यहाँ पर हालात है इसको दुरुस्त किया जाए, जिससे गरीब किसान का कल्याण हो। हम यही कहेंगे